बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद के चुनाव के बाद शिवसेना ने आपात बैठक बुलाई है। एमएलसी चुनाव में शिवसेना के खिलाफ क्रॉस वोटिंग हुई है और शिवसेना के 3 विधायकों और महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने वाले 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद अब सीएम उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरुणिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अरुणिल, देखा जाए जिस तरह से कल क्रॉस वोटिंग हुई है, ये महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मुश्किलें हैं और मंथन करने का भी वक्त है। ये सही बात है, कल शिवसेना, कल जो एमएलसी के इलेक्शंस हुए महाराष्ट्र में, उसमें शिवसेना को कुल 54 वोट्स शिवसेना को मिले हैं। हालांकि अगर देखने गए तो शिवसेना के खुद के ही जो एमएलएज है वो 55 है उनके पास, तो बेसिकली उनको 52 वोट्स मिले हैं और 55 उनके खुद के वोट्स है। एक उनका जो आमदार है वो उनका देहांत हुआ था, तो 55 प्लस उनको और 9 इंडिपेंडेंट का सपोर्ट था, जो खाली शिवसेना पार्टी को सपोर्ट था वो 9 इंडिपेंडेंट और उनके 3 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया है, अपोजिशन कैंप के लिए वोटिंग किया है, ऐसा सामने आ रहा है। इसकी वजह से नाराज हुए शिवसेना के जो हाईकमांड है, उन्होंने कल मीटिंग बुलाई थी रात को वर्षा बंगलों पे, सभी शिवसेना के जो आमदार है, जो एमएलए है, उनको वहां पे आने के लिए बोला गया था, पर ऐसा पता चलता है कि 13 आमदार उसमें से नहीं आए हैं। आज फिर से ऐसी मीटिंग बुलाई गई है सीएम उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से, सभी जो आमदार है शिवसेना पार्टी के उनको आने के लिए बोला है ये मीटिंग के लिए, क्योंकि ये जब आमदार आएंगे तभी ये दर्शाएगा कि ये जो सरकार है सीएम उद्धव ठाकरे की वो काफी स्टेबल है। अगर ये आमदार नहीं आते और वो नॉट रीचेबल रहते तो कठिनाइयां बढ़ती नजर आती है महाविकास आघाड़ी की सरकार के लिए और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए। कल जयंत पाटिल, जो कि एनसीपी के मुखिया है महाराष्ट्र के, वो भी देर रात सीएम उद्धव ठाकरे के निवास पर पहुंचे थे उनसे बात करने के लिए ये संबंध में कि ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुई, शिवसेना के 3 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की और 9 दूसरे इंडिपेंडेंट एमएलए है जिन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया था, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी को वोट डाला, ऐसा पता चला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिल इस जानकारी के लिए। तो एक अहम बैठक जो है वो आज होने वाली है महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के बाद। ये शिवसेना ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, कल भी बुलाई थी, लेकिन उसमें से जो है 3 इनके एमएलए हैं जो कि जिन तक पहुंच नहीं हो पा रही है और आज फिर से जो है एक बैठक। अपडेट देते रहेंगे लगातार आपको इस बड़ी खबर पर।